हेलो एवरीवन, आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आप सबके लिए वड़ा पाव रेसिपी लेके आई हूँ, जिसे खाना सबको पसंद है। चटपटा है, तीखा है और क्रंची भी है। तो चलिए आज की हम रेसिपी शुरू करते हैं। इससे पहले मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि लास्ट तक मेरी वीडियो देखिएगा और मेरी वीडियो कैसी लगी इसके लिए ज़रूर कमेंट करिएगा, और अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, साथ में सब्सक्राइब भी करिएगा। तो चलिए, हमने यहाँ पर 500 ग्राम बेसन ले लिया, जिसमें आधा चम्मच अजवाइन हाथों से क्रश करके डाला, नमक टेस्ट अनुसार, हल्दी आधा चम्मच, मिर्च लाल मिर्च आधा चम्मच, और थोड़ा थोड़ा पानी करके इसे अच्छे से हम घोलेंगे। इसमें लम्स ना पड़े इसीलिए हम थोड़ा थोड़ा पानी करके डालेंगे, एक साथ पानी नहीं डालेंगे। तो बस इसी तरीके से आप इसे अच्छे से बैटर तैयार कर लेना है। बैटर को बहुत ज़्यादा ना गाढ़ा रखना है और ना ही बहुत ज़्यादा पतला रखना है, तभी ये अच्छे से आलू में बिल्कुल अच्छे से लेप लग जाता है। तो चलिए, बेसन हमने यहाँ पर घोल लिया है और इसे हम 10-15 मिनट के लिए अच्छे से साइड पर रख देंगे, जिससे ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा और सेट हो जाएगा। अब हम आलू बनाने के लिए उसकी चटनी तैयार करेंगे। तो यहाँ पर हमने 7-8 कली लहसुन ले लिया है, टेस्ट अनुसार मिर्ची, यहाँ पर मैंने 6 हरी मिर्ची लिया है, और आधा इंच अदरक, हरी धनिया और करी पत्ती की मात्रा, कम से कम 7-8 स्टिक आप करी पत्ती ले लीजिएगा, और इसे दरदरा पीस लेना है। तो ये यहाँ पर चटनी इसकी तैयार हो गई है। आलू भुनने के लिए हम कढ़ाई रखेंगे और कढ़ाई में 1 कलछी तेल डालेंगे। तेल जैसे ही गुनगुना हो जाएगा, 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच सरसों, 1 हम तड़का लगाएंगे, और जैसे ही ये चटक जाए तुरंत हम चटनी जो हमने पीसी हुई है वो चटनी डाल देंगे, और फ्लेम हमारा मीडियम रहेगा जिससे ये जलने ना पाए। इन्हें हम धीमी आंच से भून लेंगे। ये हरी चटनी का पेस्ट डालने से आलू में बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। धीमे धीमे हम इसे चलाते जाएंगे। वीडियो को स्किप नहीं करिएगा और लास्ट तक देखिएगा। आलू को मैश करके हाथों से कढ़ाई में डाल देंगे। इस तरीके से आलू बहुत ही टेस्टी बनता है, और आप जरूर इस तरीके से घर पे बनाइएगा। वड़ा पाव का आलू इसी तरीके से ही बनता है। तो आलू को यहाँ पर सभी क्रश करके हमने कढ़ाई में डाल दिया है। अब इसे चलाएंगे और लगभग 3 मिनट तक इसे मीडियम फ्लेम पर हम भूनेंगे। फ्लेम को हाई नहीं रखेंगे, धीमी आंच से भूनने पर टेस्ट अच्छा आता है। आलू में कोई भी अलग से मसाला नहीं डालना है। अब यहाँ पर हम टेस्ट के अनुसार नमक डालेंगे, और बस इन्हीं को ही अच्छे से मिलाते हुए हम धीमी आंच पर भूनेंगे। जितना अच्छा आप इन्हें भूनेंगे धीमी आंच पर, टेस्ट उतना ही अच्छा आएगा। सभी चटनी को जो इसमें पेस्ट पड़ा हुआ है वो अच्छे से मिक्स हो जाए, हमें इतना आलू को भूनना है, और भूनते भूनते आलू को मैश कर देना है। आलू का फ्लेम धीमा करके छोड़ देते हैं, तब तक हम यहाँ पर हरी धनिया की चटनी बना लेते हैं। तो उसी जार में हमने हरी मिर्च, हरी धनिया, नींबू का रस, नमक टेस्ट अनुसार, और जो थोड़ा सा चटनी का पेस्ट था वो मिला करके इसे हम चटनी बना लेते हैं वड़ा पाव के साथ खाने के लिए। बीज आ गया है, इन्हें हम निकाल देंगे, बीज को नहीं पीसना है। तो ये रेसिपी सबको अच्छा लगता है खाने में। इस रेसिपी को आप लंच में, या फिर आप कहीं सफ़र में जा रहे हैं तो आप उसमें कैरी कर सकते हैं। बच्चों को ये लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं, आप रात में डिनर में भी ले सकते हैं, किसी भी समय आप इसे ले सकते हैं, मॉर्निंग के ब्रेकफास्ट में भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए, हरी धनिया की ये चटनी बहुत ही टेस्टी चटपटी तैयार है।
और इधर आलू भी अच्छे से पक गया है, भुन गया है और बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है, बहुत ही अच्छे से ये भुज गया है। तो अब हम इसे फ्लेम को साइड में रख देंगे। आलू को एक अलग प्लेट में निकाल लेंगे और इन्हें हम ठंडा कर लेंगे। ठंडा होने के बाद हम आलू को एक मीडियम साइज का लड्डू बना लेंगे। इसे आलू छानने में बहुत ही आसानी से हो जाता है। तो यहाँ पर ये देखिए, आलू के लड्डू बिल्कुल इसी तरीके से राउंड में ही बनाना है। इसे दिखने में भी अच्छा लगता है और अच्छे से बनता भी है। तो सबसे पहले हम आलू को डीप फ्राई करने से पहले कुछ चटपटी और तीखी मिर्ची बना लेते हैं और साथ में हम लाल चटनी के लिए कुछ बूंदी छान लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने मिर्ची को छान लिया, आप देख सकते हैं। तो बिना मिर्ची के वड़ा पाव तो बिल्कुल भी टेस्ट नहीं आता है। तो यहाँ पर हाथों से ही हमने कुछ बूंदियाँ डाल दिया है और इन्हें मीडियम आंच पर ही बिल्कुल अंदर से क्रिस्पी होने तक इसको हम इंतज़ार करेंगे। मीडियम एक बार फ्लेम को जो है हमने धीमा किया था और फिर हाई कर दिया है। तो बस जब तक गोल्डन येलो हो ना जाए तब तक हम इंतज़ार करेंगे। और इसके बाद अब ये हो गया है, आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा गोल्डन कलर आया है। और इन्हें हम निकाल लेते हैं और इन्हें हम ठंडा करने के लिए थोड़ा सा इंतज़ार करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बहुत ही क्रिस्पी तैयार हो गया है और ये अब ठंडा हो गया है। तो हम इसे जार में डाल देते हैं। यहाँ पर 8 लाल मिर्ची इसे भी हमने डीप फ्राई कर लिया था और 10 कलियाँ लहसुन इन्हें भी हमने डाल दिया है। तो आप इसे छीलेंगे नहीं, धुल लेंगे, इससे थोड़ा सा टेस्ट अच्छा आता है। मूंगफली को भी डीप फ्राई कर लिया था जो वीडियो में नहीं आया है और ये करीबन 1 कलची भर के था मूंगफली। टेस्ट के अनुसार नमक डाल दीजिए और आधा चम्मच सौंफ। सौंफ डालने से इसकी खुशबू बहुत ही अच्छी आती है। और बस इन्हें हमने पीस लिया है। तो ये लाल चटनी बड़ा पाव की बहुत ही टेस्टी, बहुत ही खुशबूदार बन के रेडी हो गया है। तो अब हम आलू को डीप फ्राई कर लेते हैं। तो वड़ा पाव के लिए हमने हरी चटनी, लाल चटनी सब कुछ रेडी कर लिया है। तो यहाँ पर हमने बेसन के घोल में आलू के लड्डू को डाल दिया है और इन्हें अच्छे से घुमाते हुए हम गरम तेल में डाल देंगे। तो इसी तरीके से डालना है, अगर घोल पतला रहेगा तो आलू में लेप अच्छे से नहीं लगेगा। तो बस इसी तरीके से हमें डालकर फ्लेम को धीमा कर देना है जिसे अच्छे से क्रिस्पी होने तक ये क्रिस्पी हो जाए। तो आपको देखकर आपके मुंह में पानी आ रहा होगा, लेकिन बहुत ही टेस्टी वड़ा पाव ये बना था। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर बनाइएगा और ये वीडियो मेरी कैसी लगी आप मुझे ज़रूर बताइएगा। आप लोग जब कमेंट करते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है और नई वीडियो बनाने का भी मन होता है। तो आप ज़रूर बताइएगा कि कैसे बना है। तो यहाँ पर ये आलू का वड़ा बिल्कुल रेडी हो गया है और पक गया है, क्रिस्पी भी हो गया है। थोड़ा सा और इंतज़ार करते हैं और उलट पुलट के थोड़ा छान लेते हैं। और फिर हम जब तक ये होता है तब तक हमने पाव को भी निकाल लिया है और पाव को सेक भी लिया है, साइड में रख दिया है। थोड़ा इंतज़ार करेंगे क्योंकि अगर जल्दी से वड़ा को निकाल लेंगे तो वो टेस्ट नहीं आएगा। फ्लेम हाई रखा है। आप सभी इस रेसिपी को ज़रूर बनाइएगा और वीडियो सेव करके रख लीजिएगा, जब भी आपको देखने का मन करे तो आप देख के ज़रूर बनाइएगा। और ये बच्चों के लंच बॉक्स में भी बहुत बढ़िया होता है, आराम से बच्चे खा लेते हैं। आप इसे सुबह के ब्रेकफास्ट में, शाम के ब्रेकफास्ट में, या फिर आप कभी सफ़र कर रहे हैं उसके लिए, सफ़र कर रहे हो तो उसके लिए भी बेहतर होता है। तो यहाँ पर आलू तैयार हो गया है, बिल्कुल गोल्डन ब्राउन, गोल्डन येलो हो गया है। तो अब इन्हें हम कढ़ाई से छान कर निकाल लेंगे। आलू बहुत ही क्रिस्पी है, तो बस बहुत ही हमें लाल भी नहीं करना है, इसी तरीके से गोल्डन कलर होना चाहिए। और इन्हें हम अच्छे से निकाल देंगे। तो ये देखिए आलू के वड़े चटपटे तैयार हैं। तो अब हम इन्हें पाव में लगाते हैं। तो पाव को बीच से कट कर लेंगे। सबसे पहले इसमें हरी धनिया की चटनी, उसे हम लगाएंगे।
आप इसे अलग करके भी खा सकते हैं और लगा करके भी पैक करके भी खा सकते हैं। दोनों ही तरीके से ये बहुत ही टेस्टी लगता है। और अगर बच्चों को नहीं पसंद हो तो आप केवल वड़ा के साथ ही दे सकते हैं, और अगर चटनी पसंद है तो बच्चों को चटनी लगा कर दीजिए। तो यहाँ पर ये देखे वड़ा पाव रेडी हो गया है। तो आप सब इसको, इस रेसिपी को ज़रूर बनाइएगा घर में और नाश्ते में सबको ज़रूर दीजिएगा। तो बारिश का मौसम है, यूपी हो या महाराष्ट्र, वड़ा पाव तो सबका फेवरेट है। तो बस हरी मिर्ची के साथ इसे ज़रूर दीजिए। तो वीडियो कैसी लगी हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।